सर मेरा पेटीएम हुआ है 15 नवंबर को ब्लॉक, और और किस मेरा कारण से? पेटीएम कारण ये बता रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक, तो मेरे अकाउंट में किसी ने 80 रुपये करे हैं, 80 रुपए ही और भेजे, ठीक है। हाँ, और 80 रुपये की वजह से मेरा किसने पेटीएम ब्लॉक कर भेजे थे? दिया। वो उस वक्त तो मुझे नहीं पता थी किसने भेजे आप थे, क्या पर काम मैंने करते हो? अभी तक, सर मेरी तो ऐसी एक शॉप है किनारे की छोटी सी, अच्छा, दुकान है। दुकान भी मतलब कोई बंदा आया होगा कुछ सामान खरीदने, उसके लिए उसने अब जब अस्सी मुझे नहीं रुपये पता वो कैसे आया था, दुकान पे करा होगा उनने या कैसे करा होगा, पर मैंने जब उसका वो मैंने वो आया था ना, जब हिस्ट्री हिस्ट्री चेक की। हाँ, कहाँ क्या नहीं, पेटीएम तो खैर खुल ही नहीं रहा, वो जो पूरा पेटीएम का वॉलेट का स्टेटमेंट स्टेटमेंट आता है आता ना, है। हाँ, हाँ, तो उसके अंदर उन्होंने मुझे पेटीएम वालों ने जो बता दिया था कि आपके 2:35 पे 80 रुपये आए हैं, उसके कारण आपके पेटीएम ब्लॉक हो गया। तो मैंने वो 2:35 के 9 नंबर का वो निकाल उसमें देखा, तो वो उसका उसमें उसका नंबर आ रहा था, तो मैंने उस पर पता करा, तो वो बंदा आया दिल्ली का कहीं, तो ठीक है। उसने मेरे में 80 रुपये करे, तो मैंने उसका निकाल के फिर उससे स्क्रीनशॉट भी लिया। वो बंदे से मैंने बात करी, पेटीएम वाले ये कह रहे या तो वो बंदा अपनी रिपोर्ट, जो साइबर क्राइम द्वारा कोई रिपोर्ट हुई है आपके अकाउंट की, उसने कराई, वो रिपोर्ट वापस ले लेगा, तो हम आपका खोल पेटीएम देंगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। खोल देंगे। वो एनओसी कुछ बता रहे थे कि वहां से एनओसी मिलेगी और वो अपनी रिपोर्ट लेगा, तो मैंने उस बंदे को ऐसे बोल दिया, मैंने भाई पेटीएम वाले ऐसे कह रहे हैं तूने ऐसा करा, पहले आप तो वो हानि कर रहा कि मैंने कुछ नहीं करा ऐसा, मैं तो तुम्हें मैं क्यों करूंगा, मैं क्या जानकारी है ये भैया, और तो वो। पैसे उसने किस नाम और किस काम के लिए भेजे थे आपको 80 रुपये? वही तो अनु कह रहा, मैं मुझे नहीं मालूम 80 रुपये कैसे गए, तो तो उससे फिर आपने जे पूछा बोला नहीं कि वो, ये खाता तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं चला रहे हो? हाँ बहुत जे पहले मुझसे जे बोला कि मेरा पेटीएम हैक करा हुआ है, हाँ, पहले तो तो ये मुझसे हो साफ जे सकता है। बोला, ठीक नहीं, है, उसने बोला तो ठीक हो भी सकता है, क्योंकि और फिर उसके उसको जब बाद वो जे बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्यों रिपोर्ट करूंगा भाई तुम्हारी, और जो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करी है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने माने कि चलो मेरे से गलती से हो गई, जो भी हो गई, उसने जो वहाँ से मेल आईडी मिली है जहाँ की मतलब पेटीएम ब्लॉक बता रहे हैं वो, जहाँ से मतलब साइबर पुलिस के। हाँ उड़ीसा पुलिस द्वारा कोई पेटीएम ब्लॉक बताया है, ठीक है। तो वहाँ से मेल आईडी दी उन्होंने, तो वो मेल आईडी मैंने भी मेल करा उस पर कि ऐसे ऐसे मेरा पेटीएम आप मुझे मतलब एनओसी वो कुछ कह रहे हैं, बोला लिख के भेज दिया मैंने, पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता उस मेल का। मैंने कहती 10-15 बार मेल कर दिया सर, उसके बाद ठीक उसने है। भी मेल डाला, अब वो उसने डाला मेल, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने पेटीएम पे जो मतलब कस्टमर केयर होता है उन पे कॉल करी, कस्टमर केयर से कि ऐसे ऐसे मेरे नंबर से ऐसे पेमेंट गया है और सामने वाले का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और आप उसको, मैं तो कुछ जहाँ मैंने करवाया नहीं, आप उसको अनब्लॉक कर दें जो भी है। तो कस्टमर केयर वाले कहते हैं, उनने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी पूरी करके कि आपकी तरफ से कोई पेटीएम ऐसा कुछ ब्लॉक हुआ ही नहीं है आपका, उसमें कोई वो नहीं है और ऐसा नहीं, और हम वो किसी इसलिए दूसरे भेजा ना, अकाउंट। क्योंकि वो बंदा जो कह रहा है ना कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसका हाँ पेटीएम हुआ क्या होगा ना, कि आज के डेट में पेटीएम बिल्कुल हैक हुआ है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि 80 रुपये भी उसने भेजे, और दिल्ली का बंदा आपकी दुकान पे क्यों भेजेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या होगा? अब इसमें जो पूरा सीन है वो यही समझ में आता है कि आपके पास जो पैसे आए हैं वो गलती से आए हैं, ठीक है। जितने भी जिस भी कारण से आए हो या आपके दुकान पे, तो जो भी आपको पेटीएम नंबर मिला है ना, नंबर उसका मिला है लेकिन भेजा किसी और ने है। होता क्या है कि उसका पेटीएम बिल्कुल हैक हुआ होगा, जो ब्लैकमेलर है वो लोग हैक कर ले लेते हैं, वो लोग फिर उससे फ्रॉड करते हैं, जिससे कि उनको भी पता है कि अगर फंसेगा तो वो बंदा फंसे। जैसे कि मान लो तुम्हारी गाड़ी चोरी करके किसी बंदे ने किसी के साथ कोई भी अपराध किया, तो पकड़ा कौन जाएगा? गाड़ी वाला। गाड़ी किसके नाम पर है? जो सही बंदा है। उसी हाँ तरीके सर, से वो पेटीएम हैक कर लिया, पेटीएम हैक करके उस पर फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे मंगवा रहे हैं, लूट रहे हैं और फिर निकाल भी रहे हैं। और पकड़ा कौन जाएगा? जो बेचारा जिसके नाम पे असली पेटीएम है, जिसका केवाईसी है। तो बिल्कुल वो बंदे की बात भी सही है, वो इनोसेंट है। और उस बंदे को तो कंप्लेन ये करनी चाहिए कि भैया मेरा पेटीएम अकाउंट हैक हो गया है, कोई इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। नहीं पर वो अब वो पेटीएम चला रहा है वो वाला, पेटीएम चल रहा है अब उसका, पहले हाँ वो उसके पास हैक ही है हुआ था। पेटीएम, वो जेके वो पेटीएम चला रहा है, उसने उससे पेटीएम से मुझे पेमेंट भी करके दिखाई, उनने की ना तो आप अब अपना तो चल कोई, रहा है ना, मतलब जिस समय आपके खाते में पैसे आए तो उस समय हो सकता है हैक हो। हाँ वो कुछ ऐसे ही कह रहा था कि मेरा पेटीएम भी हैक दिखा रहा है, पर मैंने कहाँ का पता बता रहा था, उनने कि आप मले मेरी बात झूठ मान रहे हो, तो मैं समझ गया, मैं उसका हैक हुआ ओटीपी होगा, बता बाद में दूंगा फिर अपना, उसने मेरे में कंप्लेन लॉगिन करके कर लो अपना अपने में, पेटीएम फिर दोबारा से अपने नंबर पे एक्सेस कर लिया होगा।
लेकिन उस कुछ अच्छा समय में, चाहे वो हफ्ता दिन हो 10 दिन हो, किसी अपराधी के हाथ में उसका नंबर होगा जिसने कि पर उसके जो वो खाते। बंदा है वो उसका साहेब वो है, जनसेवा केंद्र का बंदा है हाँ वो, हाँ मैं उसका समझ कोई गया, जनसेवा जनसेवा केंद्र है। केंद्र हाँ होगा, ग्राहक सेवा केंद्र जो भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खुल जाएगा, ऐसी वाली बात है। तो आप मेरे को ना जो पेटीएम से रिप्लाई आया है ना वो आप भेज दीजिए, खुल जाएगा आपका। 80 रुपये के लिए, बड़ा अमाउंट नहीं है, उड़ीसा पुलिस का है। और आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं तो उत्तर प्रदेश आगरा से बात कर रहा ठीक है, हूँ। खुल जाएगा, दिक्कत नहीं है। कब बंद हुआ है? बंद में बताता हूँ, 15 नवंबर को रात हाँ, तो नौ दो बजे महीने करीब हो बंद हो गए हैं, गया खुल मेरे जाएगा। पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आप मेरे सर को इसके ना लिए। अपना हाँ जो भी पेटीएम से रिप्लाई आया है वो बस आप भेज दीजिए। मैं, उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया है, कोई अननोन नंबर कहते हैं क्या कहते आप मेरे हैं। को ना जो भी दिया है ना आप व्हाट्सअप हाँ कर दीजिए, मैं फिर आपको रिप्लाई कर देता इस हूँ पे देख ही के। व्हाट्सअप करना है। ठीक हाँ, इसी नंबर पे करना है। है सर, थैंक यू। आपका भी पेटीएम अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है किसी भी कारणवश, खुल नहीं रहा है, कैसे खोले, पुलिस को कैसे अप्रोच करें, बैंक को कैसे अप्रोच, उसी कैसे लें, आईओ से कैसे कांटेक्ट करें, लीगल नोटिस भेजें या फिर कोर्ट के माध्यम से करें, या फिर आईओ से पैसे देके करवाएं, या फिर बैंक पे प्रेशराइज करें, सारा कुछ आपको बताया जाएगा क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, जिससे आप भी अपना करवा के प्रॉब्लम